हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने बुक का जिसका नाम क्या है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसका चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सीन क्या चल रहा है इसमें। कि ऑसिबल नाम का एक सीक्रेट एजेंट है, ठीक है, वो किसी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट का जो है वेट कर रहा है। ओके, और उस रिपोर्ट में जो है क्या होता है कि जो एक और सीक्रेट एजेंट होता है जिसका नाम है मैक्स, ठीक है, वो उसे धमकाता है कि वो रिपोर्ट उसे चाहिए। बस इस बारे में ये सारा का सारा जो है चैप्टर है, तो उसे पढ़ना शुरू करते हैं जल्दी से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, सॉरी, पढ़ते हैं अब इसको। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर एंड सीक्रेटली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। तो क्या है, लेखक जो है, जो ये चैप्टर को नरेट कर रहे हैं, यानी कि जो बता रहा है कहानी को, वो क्या कहता है कि ऑसिबल को जब मैं पहली बार मिला तो वो किसी सीक्रेट एजेंट जैसा तो लगता ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, मतलब अजीब सा ही है। और एक अजीब सी जगह पर मुझे लेके गया, एक ग्लूमी यानी कि उदास सा एक होटल था, फ्रेंच होटल था, ठीक है, उसके कमरे में लेके गया था। एंड वो किसी रोमांटिक जगह से ज़्यादा नहीं लग रही थी, मतलब उस जैसी लग रही थी, वो कोई सीक्रेट एजेंट के छुपने का या रहने का ठहरने का कोई अड्डा नहीं लग रहा था एक तरह से। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had bought to Paris from Boston 20 years ago. तो क्या कहता कि ऑसिबल जो है उसके बारे में सिर्फ एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि वो मोटा था, और बहुत ज़्यादा मोटा था, ठीक है, और उसका जो भाषा बोलने का तरीका है वो भी मुझे कभी समझ नहीं आया, अजीब सा लगता था। फ्रेंच और जर्मन तो वो बोल लेता था, लेकिन जो एक्सेंट था, जो यानी कि उसका एक बोलने का तरीका था, उसमें अमेरिकन जो है लहजा जिसे बोलते हैं वो आ रहा था हमेशा, वो कभी भूल नहीं पाया था, जो कि वो अपने साथ लेके आया था कब, जब वो 20 साल पहले अमेरिका से, ठीक है, टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन मतलब कि बोस्टन में, अमेरिका में बोस्टन से आया था, वो पेरिस में आके रहने लगा था, तभी से वो यहाँ रह रहा था। यू आर डिसअपॉइंटेड ऑसिबल, सेड विजली ओवर हिज शोल्डर्स। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पिनॉज एंड डेंजर। ठीक है, यू विश टू मेट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स डग्स इन द वाइन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि तुम बहुत उदास हो मुझे देख करके, कि तुमने कुछ सोचा होगा कि सीक्रेट एजेंट की लाइफ तो बहुत ही कमाल की, मतलब कि थ्रिलर जैसी रही होगी, ठीक है, तुम्हें स्पाई वाला वो जो सीक्रेट एजेंट वाला काम देखने को मिलेगा, पिस्टल्स वगैरह हो गई और ये गन शूटिंग और ये वो, ठीक है, सूट बूट, तो लेकिन ऐसा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, है ना, यहाँ पे, इसलिए तुम उदास हो। ड्रग्स होगी, वाइन्स होगी, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए उदास हो तुम, है ना। इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फैट मैन हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज गेट्स ओनली अ Project telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. तो उसने चलते चलते मतलब दरवाजा खोलते हुए कहा अपने रूम का कि हाँ, मुझे पता है कि तुम उदास हो, लेकिन और मुझे देख करके तो ज़्यादा ही उदास हो, क्योंकि मैं एक मोटा सा अजीब सा दिखने वाला, मतलब बिल्कुल एक सीक्रेट एजेंट की तरह बिल्कुल खुशनुमा सा और ऐश करने वाला एक व्यक्ति तुम्हें दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यू आर डिल्यूजन, ऑसिबल टोल्ड हिम, बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। तो फिर वो कहता है कि तुम थोड़े से धोखे में आ गई हो, या फिर ऐसे एक भ्रम में हो, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि सीक्रेट एजेंट की जॉब कैसी है। तुम बस वेट करो, हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर आने वाला है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए कई जो है आदमियों ने, औरतों ने अपनी जो है, मतलब कई लोगों ने अपनी जो है जान जो है जोखिम में डाली है उस पेपर के लिए,
कम टू मी सम डे सून द पेपर दैट पेपर विल विल मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। ठीक है, और मुझे लगता है कि वो पेपर जो है हिस्ट्री का कोर्स यानी कि हिस्ट्री का जो है रुख मोड़ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है जिसकी हम वेट कर रहे हैं। एज इज स्पोक पॉसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम एंड देन ही स्विच ऑन लाइट। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला यानी कमरे की तरफ जा रहे थे ना उस गैलरी से, तो कमरे की तरफ जाते हुए उसने दरवाज़ा खोला अपने कमरे का और अपने गेस्ट को अंदर लिया और लाइट जो है ऑन की। ठीक है, एंड एज द लाइट कम ऑन फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। तो फाउलर जो है डर गया उसको देख करके, मतलब कि क्या, जैसे ही लाइट जली तो उसने देखा कि एक आदमी गन लिए खड़ा हुआ है और वो बिल्कुल थ्रिल हो गया, घबरा गया। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल ने भी अपना जो है थोड़ा सा पलके झपकाई इधर उधर और देखने लगा। तो मैक्स ही विज्ड, यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट क्वाइट अ स्टार्ट आई थॉट यू वर इन बर्लिन व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम। तो उसने ऑसिबल ने क्या कहा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल वो घबराया नहीं, और उसने क्या कहा कि मैक्स तुमने तो मुझे डराई दिया था एकदम से, मैं सोचा तुम बर्लिन के अंदर हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में। तो मैक्स वॉज स्लेंडर अ लिटल लेस देन टॉल और विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटरेंस ऑफ अ बॉक्स। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मैनेसिंग। तो मैक्स इतना कुछ खास आदमी नहीं था, बिल्कुल सलेंडर यानी कि बिल्कुल दुबला पतला सा, एक पूरी परफेक्ट जैसे बॉडी शेप कहते हैं ना, एक जैसी शेप थी उसकी बॉडी की, और पतला सा था और उसका चेहरा भी बिल्कुल ऐसा तीखा सा था। ठीक है, उसके अलावा उसके बारे में कुछ बात करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, मर्मर्ड यानी कि उसने ऐसे धीरे से बोला, मतलब बोला कि मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। तो उसने पिस्तौल ऐसे पकड़ी रखी थी, तो उस वो पिस्तौल पकड़े हुए बोला, क्या बोला कि मुझे वो रिपोर्ट चाहिए जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। और वो जो रिपोर्ट है किस बारे में है, नई मिसाइल्स के बारे में है, और मैं जानता हूँ कि वो जो रिपोर्ट है मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी तुम्हारे हाथों के बजाय। ठीक है, तो वो मुझे रिपोर्ट दे दो एंड आई विल गो। उसके बाद ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। ऑसिबल ने क्या कहा कि मैं, मतलब चेयर में बैठते हुए क्या कहा कि मैं इस होटल को ना अच्छी खरी खोटी सुनाने वाला हूँ इस बार मैनेजमेंट को। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। ठीक है, यानी कि दिस इज द सेकेंड टाइम समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू द नॉनसेंस ऑफ बैल्कनी। Fowler's eye against went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. ठीक है, तो वो कहता है कि मैंने इनको दो बार कह दिया कि मेरे जो इस बालकनी का इलाज कराओ, इसमें से कोई भी आ सकता, और आज तुम आ गए, तो आज मैं उनको खरी खोटी सुनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको एक बार इसको रिवाइज कर लेना, इसके क्वेश्चन आंसर करके देखने हैं। ओके, ठीक है।